नीमच के मनोरम और पवित्र तीर्थ स्थल शिवघाट पर नीमा समाज द्वारा होली मिलन समारोह का उल्लासपूर्ण माहौल में आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि नीमा समाज द्वारा प्रतिवर्ष परंपरागत ढंग से होली मिलन समारोह मनाया जाता रहा है। आज मनाए गए होली समारोह में समाजजनों ने एक दूसरे को गुलाल और अबीर लगाकर रंगों के त्योहार की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर शिवघाट के मंदिर परिसर में होली मिलन की शुरुआत सुंदरकांड पाठ से की गई। तत्पश्चात नीमा समाज की एक सामाजिक बैठक आयोजित हुई, जिसमें अधिकारियों और समाज के सदस्यों ने समाज के आगामी गतिविधियों के बारे में योजना बनाई, समाज की प्रगति और कार्यक्रम पर चर्चा की। वार्षिक लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। समाज की महिलाओं को अधिक सशक्त बनाने और बच्चों की प्रतिभा को अधिक निखरने पर चर्चा हुई। समाज को एकजुट और अधिक मजबूत बनाने पर वार्ता की गई। इस अवसर पर राधेश्याम नीमा, बालकृष्ण नीमा, अशोक डोसी, रामेश्वर नीमा, राजेंद्र साकी, नीलेश नीमा, जगदीश नीमा, सुरेश घनश्याम, राहुल, मुकेश, उषा, सुमित्रा, स्मिता, सुरीचि, निर्मला, सरिता, ललित जैन और समाजजन मौजूद रहे। ये समाज का नीमा समाज नीमच का एक मिलन समारोह है, होली मिलन समारोह है। इस वार्षिक बैठक भी हम करते हैं और इसमें क्या है, वार्षिक लेखा जोखा जब राशि एकत्रित होती है उसका भी लेखा जोखा हम लोग रखते हैं, वो भी आज सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। हमारे अध्यक्ष मध्य राधेश्याम जी हैं, हमारे वरिष्ठ घनश्याम जी नीमा साहब है, उषा डेयरी वाले और राहुल भाई हैं, सभी हमारे आज की जो गतिविधियाँ साल भर तक चलती है, जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, बिजनेस में अच्छा काम कर रहे हैं, उनके सबके बारे में हम लोग क्या जानकारी सबको बताते हैं, आपस में वो शेयर करते हैं, जिससे क्या समाज में जागृति आती है और सब अच्छी आज सब अच्छी स्थिति में हो रहे हैं और धीरे धीरे सबका विकास भी इस टाइप से मतलब हम लोग कर रहे हैं, ताकि सबका सहयोग हम लोन भी समाज के साथ लोन भी देते हैं सभी को और उस टाइप से उनका मदद भी करवाते हैं समाज के हिसाब से। हम लोग जैसा आवश्यकता लगती है सबको इस टाइप से हम लोग काम करते हैं। नीमच समाज की आज बैठक रखी गई। नीमच में छोटा ही है लेकिन बड़ा संगठित है, जितने लोग भी हैं संगठित हैं। हम हर महीने एक छोटी मीटिंग करते हैं और ये होली के अवसर पर वार्षिक मीटिंग और दिवाली के अवसर फिर वार्षिक मीटिंग का आयोजन करते हैं। उसमें हमारा समाज का जो महिलाएँ हैं उनको आगे प्रोत्साहित करना है, बच्चों को आगे बढ़ाना है, उनके अच्छे जो अच्छे अंकों से आते हैं विनम्र प्रतिभाएँ हैं उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। समाज ने एक छोटा फंड कायम कर रखा है जिसमें कमजोर वर्ग के जो परिवार के सदस्य हैं उनको हम आर्थिक सहायता भी